नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज रात 11:24 तक रहेगी। आज का पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:41 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 8:16 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। आज पौष महीने की पौषी पूर्णिमा है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 6:47 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:17 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 8:17 से कल सुबह 6:47 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:58 तक और एक बार फिर सुबह 9:25 से दोपहर 12:25 तक रहेगा। आज रात 11:25 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 1:53 से दोपहर बाद 3:13 तक। मुंबई दोपहर 2:14 से दोपहर बाद 3:38 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:53 से दोपहर बाद 3:12 तक। लखनऊ दोपहर 1:39 से दोपहर बाद 3 तक। भोपाल दोपहर 1:54 से दोपहर बाद 3:16 तक। कोलकाता दोपहर 1:11 से दोपहर 2:33 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:36 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:14 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज आप अपनी समझदारी और सूझबूझ द्वारा किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम होंगे। आपका पूरी तरह से अपने कार्यों के प्रति समर्पित होना आपको सफल करेगा। आज मित्रों तथा परिवारजनों का भरपूर सहयोग बना रहेगा। भूमि संबंधी कोई भी कागजी कार्रवाई करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान का उचित ध्यान रखें। आज किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, लेकिन ध्यान रखिए सफलता हासिल करने के लिए आज आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। आज आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आज आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आज का दिन बहुत ही सावधानी से काम करने का है। अपने व्यावसायिक योजनाओं को किसी के सामने भी जाहिर न करें। आज किसी फैसले में अपने परिवारजनों का सहयोग लेना फायदेमंद रहेगा। ऑफिशियल गतिविधियों में सुधार रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। बिजनेस में आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा जिस पर एकाग्रचित होकर काम करेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में कोई बड़ी डील हो सकती है। सरकारी सेवारत लोग अपने क्लाइंट के साथ अच्छे से पेश आएंगे। आज किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत जीवन पर न होने दें। आपसी सामंजस्य बनाए रखने से घर में अच्छी व्यवस्था रहेगी। कुछ समय अपनी हॉबी के कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें, इससे मानसिक और शारीरिक सुकून बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए सफलता के मार्ग खोलेगा। प्रभावशाली इंसानों की मदद आपकी
तरक्की में मददगार रहेगी। मेहनत के मुताबिक आपको उचित फल भी प्राप्त होंगे। आज वहम और शक जैसी नकारात्मक बातों को अपने जीवन में स्थान न दें। आज जरूरतमंदों तथा बुजुर्गों की सेवा व देखभाल में भी आपकी विशेष रुचि रहेगी। आज कोई धार्मिक पुस्तक पढ़कर अपना समय व्यतीत करेंगे। परिवार सहित किसी मंदिर भी जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। अपने जनसंपर्क को और अधिक मजबूत करें। इनके द्वारा आपको चमत्कारिक रूप से भावी लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। आज कोई नज़दीकी धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आज आपकी सलाह काफ़ी हद तक दोस्तों की समस्याओं को सुलझाने में कारगर साबित होगी। परंतु आज अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान दीजिए। विभिन्न गतिविधियों में आपकी उपस्थिति रहेगी और घर तथा बाहर दोनों जगह आपका मान सम्मान बना रहेगा। आपकी बुद्धिमत्ता तथा व्यापारिक सोच से लाभ के नए स्रोत बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज व्यवसाय में किसी भी बाहरी व्यक्ति से बातचीत करते समय बहुत अधिक धैर्य और संयम बनाकर रखने की आवश्यकता है। आज जल्दबाजी में लिए फैसले गलत भी हो सकते हैं, इसलिए माता जी से राय लेना उचित रहेगा। आज आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ेगी। नव विवाहित दंपति के बीच किसी बात को लेकर मीठी नोकझोंक होगी, इससे रिश्ते में और मधुरता आएगी। घर के किसी सदस्य के विवाह को लेकर विचार विमर्श होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रहने से आपकी सोच भी सकारात्मक और संतुलित रहेगी। आर्थिक मामलों में बेहतरीन सफलता मिलने की स्थिति बन रही है, इसलिए अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते चलें। कभी कभी मनमर्जी और अति आत्मविश्वास की वजह से आपका काम कुछ समय के लिए रुक भी सकता है। आज ज़्यादा सोचने विचारने में समय न लगाएं और तुरंत योजनाओं को शुरू करें। लव मेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। साथ में कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। अपनी व्यावसायिक कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज पब्लिक संपर्कों को और अधिक बेहतर बनाएंगे, इससे व्यावसायिक स्रोत बनेंगे। किसी राजनीतिक इंसान की मदद से आपके काम हो सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आज आपका पारिवारिक वातावरण सकारात्मक बना रहेगा। आज आपको रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इनकम बेहतर होगी। अच्छे ऑर्डर भी मिलने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। आज दिन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यतीत करें। आप अपने कई रुके हुए काम फिर से शुरू करेंगे और सफलता भी मिलेगी। किसी से ज़्यादा उम्मीदें न रखें, बल्कि अपनी कार्यक्षमता व योग्यता पर ही विश्वास रखें। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ न करें। आज भावनाओं में बहकर कोई प्रॉमिस न करें। जीवन साथी आज आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। बिजनेस संबंधी योजना चल रही है तो उस पर काम करने की कोशिश करें। आज आर्थिक रूप से दिन अच्छा है। आज रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नौकरी कर रहे लोग अपने काम के प्रति ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अत्यधिक मेहनत की वजह से मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी। ऊर्जा बनाए रखने के लिए ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। व्यवसाय संबंधी आपके प्रयास व परिश्रम के उचित परिणाम हासिल होंगे। इस समय विरोधाभासी प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। कोई लाभदायक व्यावसायिक यात्रा भी संपन्न हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज का समय भरपूर मेहनत करने का है। आपको अपने प्रयासों के निश्चित ही उचित परिणाम मिलेंगे।
कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। छात्र आज अपनी पढ़ाई व करियर के प्रति गंभीरता से प्रयासरत रहेंगे। आय की स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु साथ ही हर तरफ से खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु आप अपनी समझदारी से परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे। अगर कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आप अपनी योग्यता और कार्यकुशलता द्वारा उम्मीद से ज़्यादा लाभ हासिल करने वाले हैं। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय घर परिवार व संबंधियों के साथ व्यतीत करना आपको ऊर्जावान बनाएगा। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से राहत मिलेगी। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर ही रखें। मानसिक सुख शांति के लिए किसी एकांत अथवा धार्मिक स्थल पर जरूर कुछ समय व्यतीत करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज दोस्त को चॉकलेट खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में सुगंधित धूप जलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपका मन भक्ति भावना से भरा रहेगा, आप पास के किसी मंदिर जा सकते हैं। मूलांक 2, आज के दिन परिवार के साथ किसी समारोह में शामिल होंगे, सब लोग प्रसन्न रहेंगे। मूलांक 3, आज किसी अनजान व्यक्ति की मदद करेंगे जिससे आपको शुभकामनाएं मिलेंगी। मूलांक 4, सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मूलांक 5, आज आप सही योजना के तहत अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। मूलांक 6, किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद होगी जिसे आप पूरा करेंगे। मूलांक 7, परिवार में बड़े बुजुर्ग के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा, आप उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करेंगे। मूलांक 8, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। मूलांक 9, समाज सेवा से जुड़े लोग आज किसी बड़े नेता के साथ मीटिंग करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे उत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा के फर्श के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा के फर्श पर गहरे काले रंग का पत्थर लगवाना चाहिए, इससे घर में खुशहाली आती है। साथ ही इससे घर के सदस्यों को आमदनी के नए अवसर भी मिलते हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा वायु की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में फर्श के लिए ग्रे रंग के मार्बल या पत्थर का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्श के अलावा अगर आप इस दिशा की दीवारों व पर्दों के लिए भी ग्रे रंग का चुनाव करेंगे तो इस दिशा और आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज रात 11:24 तक रहेगी। आज का पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:41 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति शब्द का अर्थ है प्रेम। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके मनपसंद विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो प्रीति योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही आज सुबह 8:16 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा तो हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र के बारे में। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। इस नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं, अतः पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। पीपल के जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों को पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल के पेड़, उसके टहनियों और उसके पत्तों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ एक बात और बता दूं, देखो ये जो आयुर्वेद है उसमें पीपल एक शब्द है, पीपल, तो पीपल यानी कि पीपल, पीपल का पेड़, उससे बनी जो औषधियाँ हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको एक औषधि दी जाती है पेट के लिए, छोटे बच्चे हैं तो पेट के लिए औषधि दी जाती है ताकि पेट कमज़ोर ना रहे, पेट मजबूत हो जाए, उसको कहते हैं चौभुजी। अब चौभुजी में पड़ती है काकड़ा सिंगी, नागरमोथा, अतीस और पीपल। अब देखिए ये चारों औषधियाँ हैं, वन औषधि हैं, काकड़ा सिंगी, नागरमोथा, अतीस और पीपल। अब इसमें जो पीपल शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण, तो जिन बच्चों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उनको औषधि के रूप में भी पीपल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी देखो पीपल की लकड़ी हम लोग काटते नहीं, हिंदू तो बिल्कुल ही नहीं काटता, क्योंकि पीपल को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, पीपल से इतनी ऑक्सीजन, दिन रात ऑक्सीजन मिलती है, पीपल को अमृत माना जाता है, पीपल को हम लोग मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखे रुद्र महेश्वरा पात्रे पात्रे देवानाम वृक्ष राज नमोस्तुते ऐसा कह के प्रणाम करते हैं। इसका मतलब मूले ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा का निवास है, त्वचा में विष्णु का निवास है, शाखाओं में महेश्वर रुद्र का निवास है और हर पत्ते में एक देवता का निवास है। तो ऐसे वृक्ष को हम तो काटते नहीं, तो हम उसे काट के कोई तख्त नहीं बनाएंगे, कोई खटिया नहीं बनाएंगे, कोई अपने खिड़की की लकड़ी नहीं बनाएंगे, ये तो तय है, लेकिन पीपल को औषधि के रूप में भी नहीं सेवन करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो और भी जिन औषधियों में पीपल मिली हो उन औषधियों का सेवन, अब जिन जो बच्चे ही पैदा हुए हैं पुष्य नक्षत्र में ये तो बड़ा शानदार माना जाता है, लेकिन उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बचपन में कोई ऐसी औषधि ना दें जिसमें पीपल पड़ा हो। हमने एग्जाम्पल के तौर बताया चौभुजी है, ये बड़ी पॉपुलर है, काका सिंगी, नागरमोथा, अतीस, पीपल, ये मिला के और छान के दे देते, वो कपड़ छन करके उसको बच्चे को देते, बड़ा पेट को फायदा करता, लेकिन पुष्य नक्षत्र में पैदा बच्चे को नहीं देना है, ये सब बातें ध्यान रखनी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले प्रीत योग और पुष्य नक्षत्र की, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली पौषी पूर्णिमा की। अच्छा पूर्णिमा पे चर्चा करने के पहले एक बात और याद दिला दूं आपको, देखो पिछले दिनों हम बता रहे थे कि सुबह आप 5 से 7 के बीच पैदा हुए हैं, 7 से 9 के बीच पैदा हुए हैं, हमको लगता है 11 बजे रात तक की हम बात कर चुके थे, 9 से 11 तक की, अब शायद 11 से 1 और 1 से 3 बाकी है, तो उसकी याद हमें रोज रहती है, लेकिन इधर भी श्री राम का मामला चल रहा था, अब आज पूर्णिमा आ गई है तो एक आध दिन में हम वो बताएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको भूल जाएंगे या वो छूट जाएगा। तो जिन लोगों का जन्म रात 11 से 1 हुआ है या 1 से 3 हुआ है या 3 से 5 हुआ है, जो चीज़ छूट गई है बताने में वो हम सब 2-1 दिन में बताएंगे। अब आगे चलते हैं पौष की पूर्णिमा, तो आज पौष महीने की पौषी पूर्णिमा है, आज के दिन गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान दान और सूर्यदेव को अर्घ देने का विशेष महत्व। माना जाता है कि आज के दिन पवित्र नदियों या तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से व्यक्ति को तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं और व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का समावेश होता है। पुष्य नक्षत्र के साथ पौष महीने की पूर्णिमा के संदर्भ में ऐसा भी कहा गया है कि इस मौके पर जो व्यक्ति वासुदेव प्रतिमा को घी से नहलाता है और अपने शरीर पर सरसों का तेल लगाता है और औषधि अथवा सुगंधित वस्तुओं से युक्त जल से स्नान करता है, साथ ही विष्णु इंद्र और बृहस्पति के मंत्रों के साथ प्रतिमा का पूजन करता है, वो अत्यंत सुख को पाता है, उस व्यक्ति को जीवन में हर तरह का लाभ मिलता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज के दिन पुरुषोत्तम भगवान की 12 यात्राओं में से एक पुष्याभिषेक यात्रा भी होती है। साथ ही आज पौष महीने की पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में छेरता नामक पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन घरों में नए चावल का चिवड़ा, गुड़ और तिल के व्यंजन बनाकर खाने की परंपरा है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पौष मास की पूर्णिमा की, और अब बात करते हैं वर्ष 2024 में पड़ने वाली अन्य पूर्णिमाओं की। इस वर्ष की अगली पूर्णिमा माघ के महीने की है, यानी माघी पूर्णिमा 24 फरवरी दिन शनिवार को है। इस पूर्णिमा के को
तिथि 23 फरवरी की दोपहर बाद ये पूर्णिमा लगेगी। इस पूर्णिमा की तिथि ये 24 फरवरी को है, दोपहर बाद 3:35 से 24 फरवरी की शाम 6 बजे तक रहेगी। यानी कि ये पूर्णिमा 2 दिनों की होगी, और जब भी पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तो पहले दिन व्रत करते हैं और दूसरे दिन स्नान की पूर्णिमा मनाई जाती है। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। माघी पूर्णिमा पर दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। अब यहाँ दो बातों पे एक बात पे तो चर्चा कर ही लें, थोड़ा समय है। देखो, नदियों में स्नान क्यों महत्वपूर्ण है? हम नदी में स्नान करके हम क्या प्राप्त करते हैं? यहां आपको इसको दो पार्ट से समझना पड़ेगा, एक हमारा शरीर, दूसरा नदी का जो कण है, एक वाटर आयन, उसकी स्थिति, एक तीसरा एलिमेंट और भी है कि किस समय में यह स्नान किया जा रहा है। हम तीसरे एलिमेंट की भी चर्चा करेंगे। देखो, हमारा जो शरीर है इसमें जो एनिमल सेल है इसमें माइटोकांड्रिया कन्वर्ट्स फूड इनटू स्टैटिक एनर्जी। हम मनुष्य जो हमारा इनटेक है वो फूड है, खाना है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो स्टैटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी, हमको गतिज ऊर्जा उसके बदले में चाहिए। हम फूड को कन्वर्ट करते हैं, स्टैटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और ये काम एनिमल सेल के माइटोकांड्रिया में होता है। अब हमारा विज्ञान यहाँ तक जानता है, लेकिन इसके आगे का विज्ञान क्या है? व्हेन द एटम, ये एटम जब टूटता है स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो तीन तरह की तरंगें निकलती हैं, 3 kinds of vibrations। उसमें पहली तरंग है इच्छा की तरंग, जो हमारी कामनाएं होती हैं वो तरंगें निकलती हैं। फिर एटम टूटता है हमारे अंदर, हजारों एटम ब्लास्ट हर वक्त हमारे शरीर में हो रहे हैं, तो जो एटम टूटता है उसे जो फ्री आयंस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारी 72,000 नाड़ियों से होकर तैरते हुए बाहर आकर हमारी प्रभामंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम अप्रभामंडल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं, ऑरा। तो देखो भाई, ये जो हमारी ऑरा है, पहले हम साइंस इसको स्वीकार नहीं करता था, अब ग्रेजुअली साइंस इसे स्वीकार करने लगा, और ये मानते हैं कि मृत्यु के समय शरीर में 2 घटनाएं होती। पहली घटना, हमारे शरीर से प्रोटोप्लाज्म गायब हो जाता, पहली घटना। दूसरी बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल इवेंट है। दूसरी, हमारी ऑरा सिकुड़ जाती है और सिकुड़ कर हमारे अंगूठे के आकार की हो जाती है, विच इज मेड ऑफ फ्री आयंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हमारी बॉडी की सिकुड़ के हमारे अंगूठे के आकार की हो जाती है। गरुड़ पुराण में यमदेव कहते हैं कि यमराज आता है और अपने मृत्यु के पाश में हमारे प्राण, जो कि हमारी और हमारे अंगूठे के साइज की होती है, उसे बांध लेता है और अपने साथ ले जाता है। तो वहाँ ऑरा की ही चर्चा हो रही है, वहाँ हमारे शरीर की जो ऑरा है उसी की बात हो रही है। अब यहाँ तक आप क्लियर हो गया आपको कि ये हमारे शरीर का, इसका नदी से क्या ताल्लुक है? इसका नदी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप कभी सोचो बैठ के, गंगोत्री से एक एटम चला, वो गंगोत्री से होता हुआ, भागीरथी से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, शरीर पर थोड़ा सा ऐसे से रगड़ो तो गर्म हो जाता है। वो एटम हजारों किलोमीटर चलता हुआ और एटम्स के साथ रगड़ता हुआ, हवा के साथ रगड़ता हुआ आप तक पहुँचा, प्रयाग पहुँचा। आपको लगता है कि वो कोई सिंपल एटम होता होगा? जी नहीं, उसमें इतनी पाइजो इलेक्ट्रिक, इतना ज़्यादा विद्युत कण होते हैं, इतने विद्युत कण होते हैं कि ये विद्युत कण आपकी देह में मौजूद आपकी ऑरा से आपके रिग्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखो, लाइफ में रिग्रेट एक ऐसा एलिमेंट है, मेरे पास ये नहीं था तो मैं ये कर देता, मेरी गलती थी मैंने ये कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए, कहते ना पाप का बोध।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपवर्ग देता हूँ। तो उनका व्हाट इज अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब क्या, कल्ले जहाँ पाप ना हो, जहाँ पुण्य, कहें भाई पाप पुण्य तो छोड़ो, अपवर्ग क्या है ये बताओ। कहें ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। कहें यार फिर यार आप हमको स्वर्ग नर्क बता, ये है क्या चीज़ अपवर्ग। कल्ले जहाँ आ से आ माने नहीं, पावर्ग जहाँ पा अक्षर से शुरू होने वाली चीज़ें ना हो उसे अपवर्ग कहते हैं। पा पाप, पा प्रायश्चित, जहाँ पाप ना हो, जहाँ प्रायश्चित ना हो वो अपवर्ग। पाप क्या है? पाप का बोध ही पाप है। जब आपको पाप का बोध होता है, आप गाड़ी से चले जा रहे हैं, जने कितने मतलब कीड़े मकोड़े कुचल गए, चींटियां कुचल गईं, कभी सांप बिच्छू भी कुचल जाता है, और आप आपकी गाड़ी से एक कुत्ते के बच्चे को चोट लगी और चिल्लाता हुआ किनारे तक गया, आपने सुना, अब उस दिन तो दर्द के मारे आप खाना भी नहीं खा पाते क्योंकि आपको बोध हो गया कि आपसे किसी को चोट लग गई। वैसे कोई मर गया आपको पता नहीं, तो आपको कोई बोध ही नहीं है, तो कोई पाप नहीं हुआ। ऐसी स्थिति मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, मन ही मनुष्यों के बंधन और मन ही मनुष्यों की मुक्ति का कारण है। तो जब आप विशेषीकृत परिस्थितियों में, विशेषीकृत दिनों पे, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण उत्ताल, अपने पूर्णता पर होता है, मनोबल या कॉन्शसनेस अपने उच्च स्तर पर होती है, उस समय जब आपकी ऑरा डिप करती है ऐसे एक पानी में और निकलती है उससे, तो आपकी जो ऑरा है वो छन जाती है उन इलेक्ट्रिक कणों से जो पानी अपने साथ सैकड़ों किलोमीटर से इकट्ठा करके लाया है। इसी बात को अगर आप तंत्र के रूप में समझना चाहते हो, हमारा तंत्र क्या कहता है, तंत्र का मतलब मैं बार बार चिल्लाता रहा हूं, कोई हु हु महाकाल खोपड़ी हड्डी, तंत्र ऐसा नहीं। तंत्र टू डू रिलीजन इन ए सिस्टम इज तंत्र। वो महाकाल हड्डी वो अपना एक अलग तंत्र है, दैट्स अ काइंड ऑफ, वो लेफ्टिस्ट तंत्र है, वो वाम मार्गी तंत्र है। तो अब ठीक है, इट्स ओके, वो है, वो भी आदरणीय है, सभी आदरणीय है। तो ये जो तंत्र है हमारे शरीर का, इसको अगर आप समझना चाहते हैं और ऑरा को, इसको ये इलेक्ट्रिक जो पानी का आयन है उसकी इलेक्ट्रिसिटी को समझना चाहते हैं, तो एक छोटा सा स्तोत्र है, मार्केट में मिल जाएगा, महाविद्या स्तोत्र। इस स्तोत्र को मार्केट में जाइए जहाँ पूजा की शॉप्स मिलती हैं, नहीं तो अब तो मार्केट भी जाने की जरूरत नहीं, अब तो अपने इंटरनेट पर टाइप करिए, आ जाएगा महाविद्या स्तोत्र। उसमें लिख कर आएगा, गंगा आदि पुलिनो जाता पर्वत ए च वनांतरे, मैं गंगा आदि नदियों से उत्पन्न हुई हूँ, मैं पर्वतों से उत्पन्न हुई हूँ, मैं वनांतर से बड़े लंबे लंबे जंगलों से उत्पन्न हुई, रुद्र से हृदय जाता मैं रुद्र के हृदय में उत्पन्न हुई हूँ, विद्या हम विद्या हूं मैं, काम रूपिणी कामनाओं को पूरा करने वाली। अब भैया ये कौन सी कामना पूरी करती, ये किस प्रकार की कामना पूरी करती? कामना तभी पूरी होती है जब आपके मन का सोचा तभी पूरा होता है जब मन रिग्रेट लेस हो, जब मन पाप और प्रायश्चित के बोध से मुक्त हो, जब मन निर्मल हो, उस समय आप जो चाहते हैं सोचते हैं, कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है, तो जिस क्षण आप रिग्रेट लेस होते हैं उस समय आप जो सोचते हैं वो घटित हो जाता है। तो टू मेक यू रिग्रेट लेस, आपको पाप रहित पाप मुक्त बनाने के लिए, सीधा सीधा लिखा तो है शास्त्रों में कि अश्वमेधाधिकम पुण्यम, मतलब अश्वमेध से भी ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। अब वो अमावस्या के मतलब जो कुंभ का महीना है कि कुंभस्या मतलब मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्कर, मेष राशि में बृहस्पति हो मकर में चंद्रमा और सूर्य हो, ऐसी स्थिति में जब आप उसमें नदी में स्नान कर लेते हैं तो आपको सैकड़ों अश्वमेध के बराबर फल प्राप्त होता है, हजारों प्रतिक्रियाएं आपको जो पृथ्वी की जने कितनी हैं वो सब आप कर गए कि कितनी परिक्रमा कर लूँ उसके बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में वचन दिया तो है, कहते तो हैं पाप मुक्त हो जाते हो, पुण्य आत्मा हो जाते हो, बड़े बड़े यज्ञों को करने का पुण्य प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? यज्ञ करने से क्या होता है? पृथ्वी की परिक्रमा करने से क्या होता है?
पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, आप जगह जगह बहुत तरह के चीज़ें देखते हैं, उनसे आपके पाप आपके रिग्रेट्स धुलते जाते हैं। आपको लगता है ऐसे ही छोटी चीज़ देखो ना, हमारी तोंद है, हम मार्केट में निकले कोई हमसे ही बड़ी तोंद वाला दिख गया तो हमको लगता है कि भाई हमारी तोंद तो बड़ी कम है। तो एक भाव आया ना हमारे मन में कि ये रिग्रेट कम हुआ हमारा। तो इस तरीके से देशांतर से भी आदमी के अंदर बड़े परिवर्तन आते हैं, आदमी बहुत चीज़ें देखता है, उसका मन खुलता है, मन साफ होता है, और चूंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है तो इसलिए गंगा आदि पुलिनो जाता, गंगा आदि नदियों से में जो बसता है, जो पर्वतों में बसता है। अब पत्थर की आप कभी सोचो, कभी एक पहाड़ की चोटी पर हवा आती है और जाए जाए टकरा रही है तो उससे कुछ हो ही नहीं रहा है क्या? अरे भैया वहाँ महाविद्या ही पैदा हो रही, यही सूत्र पैदा हो रहा है, यही पाइजो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो, यही विद्युत कण पैदा हो रहे। सैकड़ों किलोमीटर जंगल है, एक पत्ता हिलता है, दूसरा हिलता है, तीसरा हिलता है, चौथा हिलता है, पांचवा हिलता है, करोड़ों का पत्ता हिलता है और उनके हिलने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसलिए वो महाविद्या स्त्रोत्र कहता है, गंगा आदि पुलिन हो जाता पर्वती से बनांतरे रुद्र से हृदय जाता विद्या हम काम रूपिणी, तुम्हारे चित्त को इतना निश्चल कर देती हूं कि उसके बाद जो इच्छा करते हो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती। मैं उम्मीद करता हूं कि पौष मास की पूर्णिमा और माघ की पूर्णिमा में आप फर्क समझ गए होंगे। अब बाकी पूर्णिमाएं बाकी हैं तो हम आगे की पूर्णिमा आपको बता दें, फिर चलते हैं। हम माघ की पूर्णिमा तक पहुंच गए थे और माघ में क्यों गंगा स्नान करने, यमुना स्नान करने से आनंद मंगल होता है, ये चर्चा हमने की। आगे चलते हैं और आपको बाकी पूर्णिमाएं भी बता दें साल भर की कि कौन कौन सी शेष। बात करेंगे फाल्गुन पूर्णिमा की। फाल्गुन पूर्णिमा 25 मार्च दिन सोमवार को है। ये पूर्णिमा तिथि 24 मार्च की सुबह 9:56 से 25 मार्च की दोपहर 12:30 तक रहेगी। अब अगली पूर्णिमा बात करेंगे चैत्र में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष चैत्र महीने की पूर्णिमा 23 अप्रैल दिन मंगलवार, तो इस दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वैसे मतांतर से चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती के रूप में या हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और अब बात करेंगे वैशाख की पूर्णिमा की। तो इस साल वैशाख की पूर्णिमा 23 मई दिन गुरुवार को है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 23 मई की शाम 7:24 तक रहेगी। ये बुध पूर्णिमा भी है। और अब बात करेंगे ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा की। तो ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा 22 जून दिन शनिवार को पड़ेगी। इस पूर्णिमा की तिथि 21 जून की सुबह 7:33 से 22 जून की सुबह 6:38 तक रहेगी। लिहाजा 21 जून को व्रत और 22 जून को स्नान की पूर्णिमा। 21 जुलाई दिन रविवार को पूर्णिमा। अब अगली पूर्णिमा श्रावण के महीने की पूर्णिमा 19 अगस्त को पड़ेगी। और श्रावण की ये थी श्रावण महीने की पूर्णिमा। और अब बात करेंगे भाद्रपद की पूर्णिमा की। भाद्रपद की पूर्णिमा 18 सितंबर को, 17 सितंबर को व्रत आदि की पूर्णिमा, 18 सितंबर को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। और अब अश्विन महीने की पूर्णिमा 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को होगी। तो ये थी अश्विन महीने की शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा के बाद, शरद पूर्णिमा को बड़ी रसपूर्ण पूर्णिमा माना जाता है। कार्तिक महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को इस वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा 15 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा इस वर्ष 15 दिसंबर दिन रविवार को। तो ये सारी चर्चा थी इस वर्ष पड़ने वाली पूर्णिमाओं के, उनके महत्व की। और अब बात करेंगे आज के दिन शाकंभरी नवरात्र के बारे में। याद दिला दूं कि आज शाकंभरी देवी की जयंती है। इसके साथ ही 18 जनवरी से शुरू हुए शाकंभरी देवी नवरात्र भी आज के दिन समाप्त हो जाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको ले चल रहे हैं पवित्र नगरी पंचवटी। नासिक जिले में स्थित पंचवटी में स्थापित है भगवान गणेश का एक पुरातन मंदिर जिसका नाम है मोदकेश्वर गणेश मंदिर। यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति को स्वयंभू बताया जाता है। यहाँ भगवान गणेश को शंभू नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश के दर्शन करने से चित्त एकदम शुद्ध और निर्मल हो जाता है। यहाँ भगवान गणेश को उनके प्रिय मोदक का भोग लगाया जाता है, इसी कारण से उनका नाम मोदकेश्वर कहा जाता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज क्या नहीं खाना है।
तो आज पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा को तिल के तेल से बनी चीज़ें और दही खाना निषिद्ध है। पूर्णिमा आज रात 11:24 तक रहेगी, उसके बाद माँ का कृष्ण प्रतिपदा जो कल देर रात 1:20 तक चलेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह आप तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज नाश्ते में कच्चा पनीर खाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।